डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन टू वन डी में दी गई है इसके अनुसार डॉक्यूमेंट इज एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डेस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स फिगर्स और मार्क्स और एनी अदर मींस और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस इंटेंडेड टू बी यूज और विच बी यूज फॉर द दर्पजस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स सबसे पहले देखते हैं ये ग्रीन कलर में हरे रंग में जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थे इन वर्ड्स को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इंक्लूड किया गया है तो ये पुराने वाले एक्ट में नहीं थे नए वाले एक्ट में इनको इंक्लूड किया गया है इसलिए हमने इनको ग्रीन कलर में कर दिया है जिससे अलग पता लग सके अब देखते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन एनी मैटर कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया हो डिस्क्राइब किया गया हो व्यक्त किया गया हो या फिर जिसको रिकॉर्ड किया गया हो किसी भी सब्सटेंस पर जैसे किसी पेपर पर आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को डिस्क्राइब की गई हो किया गया हो या फिर किसी मैटर को किसी कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया गया हो आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड किया गया हो बाय मीन्स ऑफ लेटर्स फिगर्स मार्क्स और एनी अदर मीन्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स जैसे आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को लेटर्स के द्वारा लिखा गया हो जैसे न्यू दिल्ली में आपकी प्रॉपर्टी है फिगर्स और मास्क का इस्तेमाल किया गया हो थम इम्प्रेशन वगैरह लिए गए हों इंटेंडेड टू बी यूज और बाय और विच मे बी यूज फॉर द दर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर ये सब किस लिए किया गया जिससे कि जो मैटर है इसको रिकॉर्ड किया जा सके इसका पर्पज़ है इसका उद्देश्य है इस मैटर को रिकॉर्ड किया जा सके आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जा सके एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं जैसे पेन ड्राइव पे कोई इस्टोर्ड हो कोई डॉक्यूमेंट हो आपके कंप्यूटर पर कोई चीज़ स्टोर्ड हो आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई डॉक्यूमेंट स्टोर्ड हो वैसा भी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कोई मैटर है जैसे कि आपको अपनी ज़मीन बेचनी है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री करानी होगी तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आपका मैटर जो है आपकी ज़मीन को बेचने का ट्रांजैक्शन जो है उसको किस सब्सटेंस पर डिस्क्राइब किया जाएगा इस्टाम्प पेपर पर सब्सटेंस हुआ यहाँ पे स्टाम्प पेपर वहाँ पर लेटर्स फिगर्स और मार्क्स के द्वारा सब चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी एक्सप्रेस की जाएंगी कि आपका नाम आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स इतने रुपए में आपने इस व्यक्ति को बेची ये सब चीज़ें एक्सप्रेस की जाएंगी इसका पर्पज़ क्या है जिससे कि आपका जो बेचने का जो ट्रांजेक्शन है जो एक्ट है आपने जो कार्य किया है बेचने का उसको रिकॉर्ड किया जा सके इस परपज़ से यह किया गया है यह हो गया डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट कोई भी राइटिंग हो वो डॉक्यूमेंट हो वर्ड्स कोई भी वर्ड हो जो कि प्रिंटेड हो लिथोग्राफ्ड हो या फिर फोटोग्राफ्ड हो प्रिंटेड हुआ किसी पेपर पर प्रिंटेड हो लिथोग्राफ्ड हुआ लिथोग्राफ्ड होता है लिथो माने स्टोन किसी स्टोन पर पहले केमिकल्स और ग्रीस के द्वारा चीज़ बनाई जाती है उसको ऊपर फिर पेपर लगा के उसको सेम ऐसा ही कॉपी कर दिया जाता है एक दिखाते हैं आपको फोटो जैसे यहाँ पर ये स्टोन है लाइम स्टोन होता है ज़्यादातर इस पर केमिकल और ग्रीस के द्वारा पहले ये मुर्गे बना दिए गए हैं फिर उसके ऊपर पेपर को प्रेस करके सेम मुर्गे पेपर पर भी छप गए हैं ये लिथोग्राफी कहलाती है लिथो माने स्टोन स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसको लिथोग्राफी कहते हैं तो प्रिंटेड हो या लिथोग्राफ्ड हो या फिर फोटोग्राफ्ड हो कोई वर्ड्स वगैरह हैं उनकी फ़ोटो ली गई हो वह भी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे कोई मैप हुआ वह डॉक्यूमेंट कहलाएगा प्लान हुआ वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन किसी मेटल प्लेट पर कोई इंस्क्रिप्शन हो कुछ चीज़ कुरे दी गई हो वह भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा किसी स्टोन पर कुछ चीज़ लिखी गई हो जैसे पुराने पुराने स्टोन मिलते हैं उसमें लिखा हुआ था इस राजा ने यह चीज़ इस सन में इसलिए बनवाई थी ये सब चीज़ भी डॉक्यूमेंट कहलाएंगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये नया एग्जाम्पल जोड़ दिया गया है जैसे एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स सर्वर लॉकस किसी ई मेल पर या फिर सर्वर लॉक पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो वह भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा आपके ई मेल आप कहीं ई मेल भेजते हो किसी को वहाँ पर वापस रिप्लाई आता है यह सब डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स लैपटॉप स्मार्टफोन जैसे आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या स्मार्टफोन पे कोई पीडीएफ फाइल पड़ी हो वह भी डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगी मैसेजेस वेबसाइट्स लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस डिजिटल डिवाइसेस पे कोई मैसेजेस वगैरह हों आपके मैसेज हों वाट्स हो टेलीग्राम हो किसी पे भी मैसेज हो वही भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे वेबसाइट्स हो लोकेशनल एविडेंस हो गूगल मैप पे आप एविडेंस पता लग जाए कहीं कोई क्राइम हुआ है पता लगा आप भी वहीं थे गूगल मैप से पुलिस पता लगा लेगी यह भी डॉक्यूमेंट हो गया चलो कोई बात नहीं वॉइस मेल मैसेजेस डिजिटल डिवाइसेस पे स्टोर्ड हो यह भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगी तो यह हो गया डॉक्यूमेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए क्विक रिवीजन के लिए तो आप वेबसाइट डब्ल्यू से ले सकते हैं ये पीडीएफ फाइल का डॉक्यूमेंट जो है ये आपको मिल जाएगा अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन टू वन डी में दी गई है डॉक्यूमेंट क्या होता है कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया हो डिस्क्राइब किया गया हो या फिर रिकॉर्ड किया गया हो किसी भी सब्सटेंस पर किसके द्वारा लेटर्स के द्वारा फिगर्स के द्वारा मार्क्स के द्वारा या फिर किसी और मीन्स के द्वारा या फिर इनमें से एक से ज़्यादा मीन्स के द्वारा जिस इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग जिसका पर्पज़ क्या है उस मैटर को रिकॉर्ड करना जैसे यहाँ पर आपकी जो पर्पज था मैटर था कि आपने ज़मीन बेची है इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो इस मैटर को स्टम्प पेपर पर डिस्क्राइब कर दिया गया है यह डॉक्यूमेंट हो गया एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं एग्जाम्पल्स देख लिए कोई भी राइटिंग हो डॉक्यूमेंट होगी वर्ड्स प्रिंटेड हों या फिर लिथोग्राफ्ड हों पत्थर की हेल्प से जो हम प्रिंटिंग कर रहे थे या फिर फोटोग्राफ्ड हों कोई मैप हो कोई प्लान हो, हो किसी मेटल पे प्लेट पर या फिर किसी स्टोन पर पत्थर पर कोई इंस्क्रिप्शन हो वह भी डॉक्यूमेंट कहलाएगी ईमेज पे और सर्वर लॉक्स जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वह भी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे आपके कंप्यूटर पर लैपटॉप पर स्मार्टफोन पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह भी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे किसी भी डिजिटल डिवाइस पर मैसेजेस हों वेबसाइट्स हों लोकेशनल एविडेंस हो और वॉइसमेल वॉइस मेल मैसेज हों ये सभी डॉक्यूमेंट कहलाएंगे ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट